23 अक्टूबर की सुबह आशना बाड़मेर से जोधपुर पहुंच गई थी। उसे अपने यूनिवर्सिटी से कुछ किताबें लेनी थी और साथ ही साथ उसे पैकिंग भी करनी थी, इसलिए सुबह से शाम तक आशना पैकिंग में ही व्यस्त थी। गर्वित का कॉल रखने के बाद तुरंत ही सूरज ने आशना का नंबर डायल कर दिया था। जब आशना ने अपनी स्क्रीन पर सूरज का नाम देखा तो आश्चर्य के भाव से आशना ने सूरज का कॉल उठाया और कहा, हेलो सूरज, क्या हाल है? तुमने मुझे कैसे याद किया? अरे याद कैसे नहीं आएगी, आप हमसे दूर जो जा रहे हो, सूरज ने मजाकिया अंदाज में कहा और उसके बाद मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, क्या तुम फ्री हो? आशना की पैकिंग हो गई थी और उसने कल अपनी यूनिवर्सिटी जाने का प्लान बनाया था, इसलिए आज शाम को आशना फ्री थी। हाँ फ्री हूं, क्यों? ठीक है तो फिर। ये बोलने के बाद सूरज ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी में समय देखा और उसके बाद वापस से अपना मुंह खोलते हुए बोला, 20 मिनट में नीचे आ रहा हूं, तुम आ जाना, हम डिनर पर जाएंगे। ये पहली बार था जब सूरज ने आशना को डिनर के लिए पूछा था। सूरज ने आज तक कभी आशना से इस तरह बात नहीं की थी, जैसे मानो वो कोई खास दोस्त हो। आशना को अजीब तो नहीं, लेकिन वो शौक थी। उसके मन में थोड़े बहुत सवाल आ रहे थे जो काफी लाजमी भी थे, और इस वजह से आशना सूरज को कोई जवाब नहीं दे पाई थी। शायद सूरज भी समझ गया था कि आशना को क्या अजीब लग रहा है, इसलिए सूरज ने आशना के सारे संदेह को गोली मारते हुए कहा, परसों तुम जा रही हो ना, और उसके अगले दिन मेरा जन्मदिन है, तुम्हें तो पता ही है ना कि गौतम और प्रिया पहले से छुट्टियों पर गए हुए हैं, गर्वित भाई काम में इतने व्यस्त है कि उन्हें फुर्सत नहीं है, सोचा क्यों नहीं मेरा जन्मदिन और तुम्हारा गुड बाय डिनर एक साथ हो जाए। सूरज के इस बहाने को सुनकर आशना को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और तुरंत ही आशना ने, ठीक है सूरज, मैं तैयार हो जाती हूं, तुम्हें 20 मिनट में नीचे मिलती हूं, कह दिया था। गर्वित पहले से ही आशना के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया था। आधे घंटे बाद जब गर्वित ने आशना को सूरज की कार में जाते हुए देखा तो गर्वित के एक्शन का समय हो गया था। सूरज ने तुरंत ही गर्वित को मैसेज करके उसके मिशन को शुरू करने का आदेश दे दिया था और गर्वित के कदम आशना के अपार्टमेंट के अंदर बढ़ने लगे थे। गर्वित भागते हुए आशना के माले पर पहुंचा। आशना के फ्लैट के बाहर खड़े होकर गर्वित ने आजू बाजू चेक किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और जब गर्वित को यकीन हो गया कि रास्ता साफ है तो गर्वित ने अपनी जेब से लोहे का तार निकाल लिया था। उस वायर को दरवाजे के की होल में डाला और उसे लगातार ट्विस्ट करता रहा। अचानक से आशना के फ्लैट का दरवाजा खुल गया था। फ्लैट में घुसते ही गर्वित ने लाइट जलाई और आशना के बेडरूम की तरफ बढ़ा। गर्वित मानो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसका यहां रोज का आना जाना लगा रहता हो, क्योंकि आशना ने अमेरिका जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी, इसलिए आशना का कमरा पूरा खाली खाली था। अलमारी भी लगभग पूरी खाली थी, बस कुछ ही कपड़े हैंगर पर टंग रहे थे, थोड़ी बहुत टिश्यू, परफ्यूम, हल्का फुल्का मेकअप के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये देखने के बाद गर्वित आशना की डेस्क की तरफ बढ़ा। उधर भी गर्वित को आशना के कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई वस्तुएं ही दिखी, उसके अलावा उसकी दराज में उसे और कुछ भी नहीं मिला था। गर्वित को बैल्कनी के पास एक सूटकेस दिखाई दिया। वो सूटकेस गर्वित को परिचित लगा, जैसे मानो उसने उस सूटकेस को पहले भी देखा हो। अचानक से गर्वित की भौहें ऊंची उठ गई जब गर्वित को एहसास हुआ कि ऐसा ही सूटकेस उसकी परेशान करने वाली औरत के पास था, जब वो उसके साथ छोटे राजमहल में रहती थी। गर्वित के कदम उस सूटकेस की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने उसे उठाया, अरे बाप रे, कितना भारी है ये, क्या भर दिया इसमें, ये कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उस सूटकेस को जमीन पर लिटाते हुए गर्वित ने उसे खोल दिया था। सूटकेस पूरा कपड़ों, जूतों और कुछ किताबों से भरा हुआ था। गर्वित की नजर एक सफेद बैग पर गई जो सूटकेस के कोने में एकदम अलग थलग सा पड़ा था। वो सफेद बैग भी काफी भारी था और पूरी तरह से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। गर्वित ने उस सफेद बैग को उठाया और उसे खोलते हुए अपनी दो टूक नजरों से उसे खंगाला। वो बैग लेटर्स से भरा हुआ था। गर्वित ने अपना हाथ डालते हुए कुछ लेटर्स बाहर निकाले। वो सभी लेटर्स मिस्टर हलबेला के थे। उन लेटर्स के नीचे एक लाल रंग के कपड़ों का बैग था। गर्वित ने उस बैग को भी खोला। उसमें एक 500 का नोट था जो काफी मुड़ा हुआ था,
और साथ ही साथ एक चमचमाता हुआ नेकलेस दिखाई दिया। सबसे पहले गर्वित ने उस नोट को बाहर निकाला और जैसे ही वो नोट खोला, अंदर साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा था, गर्वित, मैं आशना हूं, मैं 8 साल से तुमसे प्यार करती हूं। गर्वित उस नेकलेस को भी बहुत अच्छे से जानता था। वो नेकलेस उसकी परेशान करने वाली औरत को किसी ने जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था और गर्वित ने उसी रात अपनी कुछ अजीब हरकतों को सभी के सामने पेश किया और उस नेकलेस को तोड़ते हुए उछाल फेंका था। वो नेकलेस फाउंटेन में जाकर गिरा था। जब गर्वित ने अपनी परेशान करने वाली औरत का कड़क बर्ताव देखा तो गर्वित को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई और पूरी रात गर्वित ने उस नेकलेस को उस फाउंटेन में ढूंढा था। उसके बाद जब वो नेकलेस मिला तो गर्वित ने उसे ज्वेलरी स्टोर पर जाकर ठीक करवाया और टूटी हुई जगह पर एक छोटा सा मोती लगा दिया था जिससे उसके डिजाइन खराब न लगे। और वो 500 का नोट वही नोट था जो गर्वित ने एक रात अपनी परेशान करने वाली औरत के साथ वो अजीब सा खेल खेला था। उस नोट पर उसकी परेशान करने वाली औरत ने क्या लिखा है ये देखने के लिए गर्वित ने उस नोट को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नोट उसे दिखाई नहीं दिया। आज गर्वित को पता चला कि वो नोट उसकी परेशान करने वाली औरत ने कभी खर्च ही नहीं किया था। इसका मतलब मैं एकदम सही था। ये मेरी परेशान करने परेशानियों का बोझ आ गया है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरे साथ रह सको? लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी भी तो भी उसके बाद तुम्हें दादाजी को झेलना होगा। शायद वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब तुम अपनी जिंदगी की एक बहना के लिए इतना बोलना ही काफी था, क्योंकि आशना की भावना सूरज तक जा पहुंची थी। दरअसल गर्वित के दादाजी कोमा में, इस वजह से गर्वित मेरे साथ नहीं है। ओ, क्या हो गया उन्हें? ये सवाल आशना ने सूरज के सामने दाग दिया था और अपने मन ही मन सोचने लगी, अब दादाजी को क्या हो गया? अब तो गर्वित और संजना की शादी होने वाली है, तो फिर उनकी तबीयत अचानक से? सूरज के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आशना को क्या बताए। इससे पहले कि सूरज अपनी कोई प्रतिक्रिया देता, आशना ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अब तो गर्वित सर और संजना की शादी हो रही है। जैसे ही ये शब्द सूरज के कानों में पड़े, वैसे ही उसके मुंह से हंसी का गुब्बार बाहर आ गया था। कौन बोला तुम्हें? वो आर्टिकल, वो रिपोर्टर। और जोर जोर से सूरज हंसने लगा था। वो फेक न्यूज है, कोई शादी वादी नहीं हो रही है। लेकिन उनकी शादी तो बहुत पहले ही हो रखी। इससे पहले कि आशना अपने शब्दों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल पाती, सूरज ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्वित की शादी संजना से कभी हुई नहीं। ये बोलने के बाद सूरज थोड़ा रुका, लेकिन उसके बाद वापस से अपना मुंह खुलते हुए बोला, उस समय संजना ने गर्वित के दादाजी पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो गर्वित पर बार बार शादी करने का दबाव बना रही थी। गर्वित इतना ज्यादा इरिटेट हो गया था कि दोनों को शांत करने के लिए उसने शादी का नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया था। उस नकली सर्टिफिकेट के बाद से माधव राज सिंधी और संजना दोनों ही शांत हो गए थे और गर्वित ने संजना को उसके साथ छोटे राजमहल में रहने की अनुमति भी दे दी थी। ये बोलने के बाद सूरज रुक गया। जब बात संजना के बारे में आ ही गई थी तो सूरज ने अचानक से आशना से पूछा, क्या तुम दो दो संजना के बारे में जानती हो? क्या आशना सूरज के सामने अपनी भावनाओं का बखान करेगी? सच सुनने के बाद अब आशना की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होने वाली थी? क्या आशना अपने प्यार के लिए रुकने वाली थी? सुनिए, ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।